like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली चिकन सूप। ये इस तरीके से आती है, आप सबको पता ही होगा। ये ऐसी बिल्कुल कॉलीफ्लावर फूल गोभी की सिस्टर है, ये ऐसे भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत हेल्दी होती है। तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा क्या बोलूँ, अभी मैंने ये आधी लिया हुआ है। एक्चुअली मैंने एक इतना बड़ा वाला वो ब्रोकोली लाई थी जिसका मैंने सब्ज़ी बना दिया, और उसमें से काफ़ी बड़ा था वो, तो मैंने थोड़े से ये अलग कर दिए कि सोचा अभी विंटर भी है तो चलो विंटर स्पेशल भी बना देते हैं, सूप कर देते हैं। तो ये सूप के लिए एक्चुअली मैंने इतना ही निकाला, एक अक्खा बड़ा, इतना बड़ा साइज़ का था वो ब्रोकली। तो हाफ मैंने सब्ज़ी बना दिया उसकी, और हाफ मैंने ये सूप बनाने के लिए रखा है। इट्स वेरी हेल्दी, यू नो, बच्चों को भी पसंद है। ऐसे तो सब्ज़ियाँ खाते नहीं है, लेकिन ऐसे बना देंगे तो खा लेते हैं। और ये चिकन है, अभी क्या बोलूँ मैं, मैंने ना मैंने चिकन लेकर आई थी, तो उसमें से जो उसका ब्रेस्ट का साइड था, ब्रेस्ट का हिस्सा, उसमें से मैंने ये बोनलेस करके निकाला है। मैंने इसको घर में ही निकाला है, और से अबाउट ये 200 ग्राम है, क्योंकि मैं बाहर से अगर बोनलेस लो ना, चिकन मार्केट से लो ना बोनलेस, तो वो महंगी पड़ती है। तो जब मुझे बोनलेस की ज़रूरत होती है ना, तो व्हाट आई डू इज़ मैं चिकन को अलग घर में ही लाके सब उसके ब्रेस्ट के साइड के सॉफ्ट पीसीस मैं ही कट करके निकालती हूँ। तो मैंने ये ऐसे कट करके निकाला और ऐसे स्क्वायर शेप में सबको कट कर दिया है। एक दो हड्डी रह जाएगी, बट देन चलता है। तो ये 200 ग्राम है, इसको वॉश कर लिया है, ब्रोकोली को भी वॉश कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पे ये मैंने 2 टेबलस्पून अमूल की क्रीम ली है। मेक श्योर करो कि आप अमूल का क्रीम ही लो, घर का क्रीम मत लो, बिकॉज़ ये सूप है तो अमूल, आई विल सजेस्ट टू टेक अमूल क्रीम, ठीक है। तो ये धनिया पत्ती है, ये मैंने वॉश करके लिया, इसको चॉप करके ले लेंगे। अगेन ये क्या हुआ ना कि घर में ना हक्का नूडल्स थे, तो बाकी तो सब नूडल्स तो बना दिए बच्चों ने, मगर ये जो टुकड़े टुकड़े हैं ना, ये छोड़ दिया, बनाते ही नहीं है। अब ये वेस्ट ना जाए, तो लेट्स नॉट वेस्ट ना, क्यों वेस्ट करने का, हर चीज़ को हम पैसे देकर ही लाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, अब ये बनाते ही नहीं है, तो अब मैं इसका इस्तेमाल सूप में करूँगी। लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है, ये ऑप्शनल है, एक्चुअली डालना हो तो डालो, आपकी मर्ज़ी है। ये वेस्ट ना हो जाए इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये एकदम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं जो बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो ये इतना फेंकना क्यों बोलकर मैं अभी सूप में इस्तेमाल करूँगी और उन लोगों को अच्छे से खिला दूँगी, और मैं भी खाऊँगी ऑफकोर्स। और ये एक टमाटो लेंगे, मुझे अगर लगा तो मैं पूरा लूँगी, वरना मैं ये हाफ ही टमाटो यूज़ करूँगी। और ये है ना, यहाँ पे मैंने ये ग्रीन पीस लाया हुआ है, तो ये भी मैं डालूँगी। ये मैंने 1/4 कप लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से, आपको जितना डालना है उतना ले सकते हैं, प्लस आपको जितनी सब्जियाँ डालनी है, कैबेज डालना है, फ्रेंच बीन्स डालना है, डालें। लेकिन मैं ख़ास एक्चुअली ब्रोकोली का और चिकन का ही सूप बना रही हूँ, इसके लिए मैंने सब्ज़ी ज़्यादा अवॉइड की हुई है। ब्रोकोली वैसे भी बहुत हेल्दी है। तो ये मैंने 1/4 कप ये लिया हुआ है मटर, ग्रीन पीस, आपको जितना लेना है आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और हाँ, यहाँ पे मैं ये मैजिक मसाला इस्तेमाल करूँगी मैगी का, ओके। और मैंने ये 7 से 8 हरी मिर्च ली है, सूप के लिए थोड़ा तीखापन अच्छा लगता है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, मैंने मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। और ये है कुटी हुई मिर्च, जो मैंने आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स लिया हुआ है कुटी हुई, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मिक्स्ड हर्ब्स, ओके। और 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है, आधा छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली हुई है, आधा छोटा चम्मच मैंने
चाट मसाला लिया हुआ है, एंड आपको सबको पता है कि मैं एवरेस्ट के मसाले यूज़ करती हूँ, तो ये एवरेस्ट का ही है, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरी कुकिंग एवरेस्ट के मसालों के बिना, चाहे मैं जितने भी मसाले डाल दूँ, आप सबों को पता है मेरा फेवरेट। तो ये चाट मसाला है एवरेस्ट का, और ये भुना कुटा ज़ीरा है, दैट्स क्यूमिन सीड्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे है ना, मैं ये चीज़ भी डालूँगी जस्ट स्पेशली फॉर किड्स, बच्चों के लिए थोड़ा सा चीज़ किस के आप डालो, चेडर चीज़ डालो, कोई भी डालो, मेरे पास मोज़रेला पड़ा हुआ है, तो मैं ये चीज़ डालूँगी जस्ट बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे खाने को और खा ले वो, उनका ना बच्चे लोग का खाने का बहुत यदि वेरी फसी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो गैस पे मैंने खुले बर्तन में पानी रख दिया है सूप के लिए, आपको जितना सूप बनाना है आप उतना पानी रखिए। यहाँ पे मैंने पानी अंदाज से रखा है, 4 ग्लास रख दिया है मैंने, क्योंकि ये बॉईल होगा तो कम होगा ना। और ये मैं बता देती हूँ, ये मिक्स्ड हर्ब मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, और ये माय फेवरेट, आप सबको पता ही है। तो क्या करेंगे, चिकन को मैंने वॉश कर लिया है, तो अब मैं चिकन पहले इसमें शामिल कर दूँगी। पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो चिकन शामिल कर देंगे इसमें। मैंने इस तरीके से क्यूब्स बनाए हैं, आप लोग भी क्या करो, चिकन है ना घर में लाओ, और उसका कटिंग थोड़ा मेहनत है लेकिन वही अच्छा है इकोनॉमिकली। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। ओके, ये यहाँ हो गया, और ये मैं ड्राई स्पाइसेस जितने भी आपको मेंशन किए थे ना, ये सब मैं अभी डाल दूंगी, ये सब कुछ, सिर्फ हरी मिर्च नहीं, बाकी ये तमाम स्पाइसेस जितने भी मैंने बताए हैं, यहाँ तक के नमक भी और जिंजर गार्लिक भी, ठीक है, क्योंकि चिकन है ना तो अंदर तक वो जाना चाहिए, लगना चाहिए। और ये जब तक है ना यहाँ पे पक रही है ना चिकन, तो हम ब्रोकोली को ना कट करके लेंगे। आपको ब्रोकोली बड़ी साइज़ में रखनी है, छोटी छोटी कट करनी है, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इन मिर्चों को स्लिट करके डाल रही हूँ इसमें, इसे वॉश कर लिया है, और ये मिर्चें मैं 7-8 हरी मिर्चें स्लिट करके इसमें डालूंगी। क्या होता है ना, जब ये सूप बनाओ, कुछ ऐसे बनाओ ना, नमक मिर्च अच्छी लगना चाहिए, तो ही कोई चीज़ का जायका निकल कर आएगा, चाहे वो सूप हो कुछ भी हो। और क्या है कि ज़बान को उसका जायका लगना भी चाहिए। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्चों को डाल दिया है, तो अब ये पक रही है, इसे एक बार चला लिया चम्मच से। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रोकली है ना, इसको मैं कट कर देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ना छोटा छोटा कट कर देती हूँ, ठीक है। ये वॉश करके ले लिया है मैंने ऑलरेडी, इसे कट करते फिर आपको बताते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, ब्रोकली को बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर दिया है ऐसे इसमें, और मेरे पास ये चॉपर है, मैनुअल चॉपर, तो अब मैं ये इसमें डाल दूंगी, तो ये क्या होगा, फटाफट से हो जाएगा। आई नो सबके पास होगा, तो ये यहाँ हो जाता है, और आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखो अभी ये पक रहा है ना, तो इसमें है ना अभी हम ये ग्रीन पीस शामिल कर देंगे, ग्रीन पीस को बॉयल होने देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बॉईल हो रहा है, ग्रीन पीस भी साथ में बॉईल हो जाएगा, तो ये जब तक बॉईल होता है हम चॉपर में इसे चला लेते हैं, इस तरीके से हाथ रख के इसे फटाफट हो जाता है इसमें। एक ऐसा आप सबके पास भी होगा, बहुत से लोगों के पास मैंने ये देखा है। मैं क्यों बारीक कर रही हूँ मालूम है, बिकॉज आई नो मेरे बच्चे ना नहीं खाएंगे, हाँ वो बगार के कड़ी पत्ते लहसुन सब निकाल के साइड में रख देते हैं, तो मुझे पता है, इसके लिए मैं ये कट कर रही हूँ, इतना बारीक चॉप कर रही हूँ। अगर आप लोग पीसेस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट मेरे घर के वजह से मैं ये कर रही हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो है ना ब्रोकोली, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी।
ठीक है, ये हो गया। ये जो साइड पे लगा है ना, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी डाल देंगे उसमें। लेकिन अभी पहले मैं इसे चला लेती हूँ। ये देखो, ये हो गया। अब इसमें ये क्रीम भी डाल देंगे। प्लीज़ घर की क्रीम मत डालिए, ये क्रीम डालिए। देखो कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है अभी इसमें, कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो अब ये देखिए, इसमें अच्छा खासा बॉईल आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो नूडल्स के टुकड़े थे ना, मैं इसे वेस्ट नहीं करूँगी। ये बच्चे खाते नहीं है, लेकिन मैं इसको इसमें इस्तेमाल करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, नूडल्स मैं बता रही हूँ। तो लेकिन हाँ, ये एक टिप है, नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में भी ऐसा चूरा चूरा है और आपके घर में भी खाते नहीं है ना, तो आप ऐसा करके बना के दे दो, सब खा जाएंगे। और ये मैजिक मसाला डालेंगे, अब इसका मैजिक देखना। इस तरीके से बनाओ, बच्चों को खिलाओ, स्पेशली चिल्ड्रंस, दे आर वेरी फसी। अब खा के बना के देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट दीजिए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने देखा और फिर भी नहीं का किया है सब्सक्राइब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये यहाँ पे मैं ये टमाटो कट कर रही हूँ और ये मैं हाफ ही डाल रही हूँ। ठीक है, आपको पूरा डालना है पूरा डालिए, लेकिन मैं ये हाफ ही कट करके डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को शामिल कर दिया है, अच्छे से इसे अभी पकने देते हैं, बॉईल आने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। सूप को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक भी गई होगा अब तक। तो चेक करते हैं। खतरनाक खुशबू आ रही है, खतरनाक। इसे ज़रूर बनाइए और सर्दियों में तो अक्सर बनाया कीजिए। सर्दियों में जितना सूप बना के आप देंगे ना बच्चों को, खुद भी पिएंगे, तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो अब ये कोरिएंडर लीव्स में शामिल कर रही हूँ, चॉप्ड, मिक्स करते हैं। और ये है ना लेमन जूस है, लेकिन आप लोग बोलोगे वरना ये ऐसा कैसा लेमन जूस है, ये जिसमें मैंने क्रीम खाली बोल में किया था ना, रखा था, ये वही बोल में मैंने जूस निकाल दिया है। तो लेमन ज़रूर डालिए, इससे क्या होगा, आपके सूप में 4 चांद लग जाएंगे। लेमन एनहेंस सूप फ्लेवर, लेमन विल एनहेंस इट। अभी आपको नेक्स्ट बताते हैं, तब तक इसे और 2 मिनट के लिए कुक करते हैं, लिड लगा देते हैं, 2 मिनट के बाद आपको नेक्स्ट बता। तो 2 मिनट हो चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और अभी इसे ओपन करती हूँ। सब कुछ अच्छी तरीके से पक चुका है, तो इसे सर्व करेंगे। इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं और इस पे मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, ये ज़रूर डालिए, इसे बहुत यम्मी फ्लेवर आएगा और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इसका टेक्सचर भी बहुत अलग हो जाएगा जब आप इस तरीके से इसमें डाल के खाएंगे, तो ज़रूर से डालिए। ये हो गया, और इसे एंजॉय कीजिए, सर्दियों की खास पेशकश। ये देखिए कितने अच्छे से सब कुछ कुक हो गया है। और ये तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गई, ये जो टुकड़े टुकड़े मेरे नूडल्स थे जो वेस्ट जा रहे थे, वो बड़े काम में आ गए, अब बच्चे बराबर खा लेंगे। तो आपके घर में भी कभी ऐसा कुछ हो तो इसी तरीके से इसे यूज़ कीजिए, इस सर्दियों में ज़रूर बनाइए और आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाए। कुछ नया सीखने मिला, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को, राहत किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।